स्वागत है आप सभी का SSN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चिकित्सक का अपहरण करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और दो जिंदा गोली बरामद। बागबेड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 17 लाख की चोरी मामले में चार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोलभुरी थाना अंतर्गत गोलभुरी चौक के पास मंगलवार देर शाम आरोपियों ने चिकित्सक के अपहरण का प्रयास किया। हालांकि चिकित्सक द्वारा शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुटे और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई, जहां दोनों से पूछताछ की गई। मामले का खुलासा करते हुए SSP किशोर कौशल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अशोक सिंह और रवि शंकर सिंह रिश्ते में ममेरे भाई लगते हैं और बेगूसराय में रहते हैं। दोनों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और दो जिंदा गोली बरामद की है। दोनों 27 दिसंबर को ही जमशेदपुर आए थे। SSP ने बताया कि पहले तो दोनों ने पुलिस को काफी गुमराह किया, पर कड़ाई से पूछताछ करने पर अशोक ने पुलिस को बताया कि गूगल पर सर्च कर चिकित्सक की जानकारी हासिल की थी, इसके बाद अपहरण कर फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। दो दिनों तक रेकी भी की थी। मंगलवार को अपहरण करने ही वाले थे कि उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। SSP ने बताया कि अशोक परसुडी थाना से अवैध शराब बेचने के मामले में और रविशंकर मोकामा से डकैती के मामले में जेल जा चुका है। लेकिन कल रात्रि 8 बजे गुलमुरी बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर से मरीज को देखने के पश्चात एक वहाँ के निजी चिकित्सक अपनी कार जो वहाँ पर वो पार्क किए हुए थे, जब अपनी कार के पास आए तो वहाँ पर दो अपराधकर्मी वहाँ पर पहले से मौजूद थे, जिनके द्वारा बंदूक का भय दिखाकर उन्हें ज़बरदस्ती कार में बिठाने का प्रयास किया। अपहरण की नीयत से वो ये प्रयास कर रहे थे, इसमें वो शोर मचाया गया और चिकित्सक के द्वारा और स्थानीय जनता की सहयोग से और स्थानीय पुलिस की तत्परता से तुरंत ही उन दोनों अपराधकर्मियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें अशोक कुमार सिंह और रविशंकर सिंह, ये दो व्यक्ति जो है वो हिरासत में लिए गए, जिनके पास से जब सर्च किया गया तो एक देसी कट्टा और दो जिंदा गोली भी बरामद की गई है। इस संदर्भ में चिकित्सक के बयान के आधार पर थाना कांड संख्या 124 दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जब इन दोनों के आपराधिक इतिहास की छानबीन की गई तो जो अशोक कुमार सिंह है वो उसके विरुद्ध जो है परसुडी से एक एक्साइज एक्ट के मामले में वो पहले भी जेल जा चुका है और जो दूसरा व्यक्ति रविशंकर सिंह है वो एक मोकामा से डकैती के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। और भी मामले हो सकते हैं जिस संदर्भ में तफ्तीश की जा रही है, इसमें और कोई शामिल था या नहीं था इस संदर्भ में पूछताछ की जा रही है, उसको रिमांड पे लेकर के और सघनता से पूछताछ की जाएगी और जैसे तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। बागबेड़ा थाना अंतर्गत विगत 26 दिसंबर की देर रात कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 के निवासी सत्येंद्र सिंह के घर से अलमीरा में रखे 17 लाख रुपए चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में सत्येंद्र सिंह समेत उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है और चोरी के 1,99,500 रुपए, एक स्कूटी, एक कार, केमिकल, 5 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने पाया कि बागबेड़ा निवासी सत्येंद्र सिंह के 2 साथी इंद्रजीत कुमार सिंह और अरविंद चौधरी सत्येंद्र सिंह को पैसा डबल करने की बात कहकर 24 दिसंबर को बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले रमेश उर्फ सिकंदर, साथ ही उसके भतीजे से मुलाकात करवाते हैं और सत्येंद्र सिंह के बागबेड़ा घर पर एक डेमो दिखाकर पैसा डबल करने की बात कहते हैं, जहां इनके झांसे में सत्येंद्र सिंह आ जाते हैं और 2 दिनों बाद 26 दिसंबर की मध्य रात्रि घर के अलमारी में रखे कंपनी के कलेक्शन के पैसे 17 लाख रुपए चोरी होने की झूठी कहानी रचते हैं। पुलिस ने 27 दिसंबर को मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। CCTV फुटेज और टेक्निकल सेल के आधार पर पाया कि सत्येंद्र सिंह झूठ बोल रहा है। पूछताछ में सत्येंद्र सिंह ने बताया कि वह अपने साथियों इंद्रजीत कुमार सिंह और अरविंद चौधरी के बहकावे में आकर बिहार के रहने वाले रमेश उर्फ सिकंदर और उनके भतीजे को अपने घर 17 लाख रमेश उर्फ सिकंदर को सौंप दिए। जानकारी देते हुए ASP सुमित अग्रवाल ने बताया कि सत्येंद्र सिंह पहले पुलिस को गुमराह कर रहे थे, उसके बाद उसने बताया कि उसके 2 साथी अरविंद चौधरी और इंद्रजीत कुमार सिंह उसे पैसा डबल करने वाले गिरोह के रमेश उर्फ सिकंदर से मुलाकात करवाते हैं।
जिसकी बात में वह आकर चोरी की झूठी कहानी को अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार से रमेश उर्फ सिकंदर की गिरफ्तारी हुई है, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 1,99,500 रुपये नकद, एक स्कूटी, रेनॉल्ट कार, नोट ठगी करने में प्रयोग किए जाने वाले कागज के बंडल, केमिकल और 5 मोबाइल फोन बरामद किया है। इस मामले में रमेश उर्फ सिकंदर का भतीजा फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 2023 को दिलीप कुमार ठाकुर, जो कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के केयरटेकर हैं, उन्होंने बागबेड़ा थाना में केस दर्ज कराया था कि उनके कलेक्शन एजेंट है जिनका नाम है सत्येंद्र सिंह। उन कलेक्शन एजेंट के द्वारा 17 लाख रुपया कलेक्शन किया गया था 26 दिसंबर को, जो उनके घर में था और किसी अज्ञात चोर के द्वारा घर से चोरी कर लिया गया था। तो इससे संबंधित एक केस दर्ज कराया गया। जब इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया, सत्येंद्र कुमार सिंह के इसको गुमराह करते रहे कि हमारे घर से चोरी हो रहा, लेकिन जब टेक्निकल एविडेंस लिया गया और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, तो इसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ कि चोरी नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस के आधार पे और पूछताछ करने पे पता लगाया कि सत्येंद्र कुमार सिंह के 2 दोस्त हैं, जिनका नाम है इंद्रजीत सिंह उर्फ नेता और अरविंद चौधरी। ये 2 दोस्त हैं जिनको पता है कि पैसा डबल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ग्रुप को जानते हैं जो पैसा डबलिंग का काम करते हैं। तो इन्होंने सत्येंद्र सिंह को बताया था कि पैसा डबल करने का ग्रो है, तुम्हारे पास पैसा आता है तो हम लोग उसको डबल कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने प्री प्लानिंग की थी, तो उसके लिए उन्होंने एक डेमो का भी प्लान किया था। तो इसका डबल करने में ग्रो में एक है रमेश सिंह और सिकंदर, ये मोहनिया जिला कैमूर बिहार का रहने वाला है। इसको इंद्रजीत सिंह और अरविंद चौधरी अपने साथ ये जमशेदपुर लेकर आए थे, और जमशेदपुर लाने के साथ उन्होंने सत्येंद्र सिंह के साथ एक मीटिंग करवाया था और वहाँ इन्होंने डेमो दिखाया था। बेसिकली ये पैसा डबल करने का कोई स्कीम नहीं है, ये हाथ की सफाई है, जिसमें सत्येंद्र सिंह को लगा कि वाकई में पैसा डबल हो रहा है, तो उसने लालच में आके कि 17 लाख का 34 लाख हो जाएगा। इसके एवज में दोनों दोस्तों 15% कमीशन मिलने वाला था और 50% कमीशन जो पैसा डबल करता है उसको मिलने का था। तो इस तरह से पूरा गिरोह एक काम कर रहा था जो पैसा डबल करने के लिए, लेकिन पैसा डबल ना करते हुए उन्होंने एक मतलब धोखा देते हुए 17 लाख रुपये का बैग सत्येंद्र सिंह से लेकर उसे निकल गए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने बिहार में छापामारी की। बागबेड़ा पुलिस ने सराहनीय काम करते हुए सीनियर सर के नेतृत्व में इन्होंने इंद्रजीत ये रमेश सिंह और सिकंदर को हम लोगों ने मोहनिया से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समक्ष हमें वहाँ से नगद 1,99,500 रुपया प्राप्त हुआ, प्लस एक स्कूटी भी प्राप्त हुआ जिसको उसने नगद कैश में देकर खरीदा था। उस स्कूटी को भी हमने जब्त कर लिया। साथ में साथ नोट ठगी करने के लिए एक ये पेपर का यूज़ करता है, जिस पेपर में एक नोट को रखता है ओरिजिनल नोट को, और उसका कॉपी तैयार करता है पानी में भिंगा के और कुछ केमिकल डाल के। बेसिकली इसमें कोई कॉपी तैयार नहीं होता, ये हाथ की सफाई है। वो उस नोट को ओरिजिनल नोट को बगल के पॉकेट में रख लेता है और जो सामने वाला उसको दिखाता है कि वो पानी में और केमिकल में डालने से ये एक डुप्लीकेट नोट तैयार हो गया जिसको वो मार्केट में चला सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में एक नोट के साइज का, कटिंग के साइज का पेपर और कुछ केमिकल्स प्राप्त हुआ है। साथ में हम लोगों ने रेनॉल्ट क्यूट कार जो अरविंद चौधरी का है, जो इनको रांची ले जाने में और ड्रॉप करने में यूज किया गया था, उसको भी हमने अपने साथ जब्त किया गया है। प्लस 5 मोबाइल सेट इनके पास से प्राप्त हुआ है, उसको भी हम लोगों ने विधिवत जब्त किया। इसके तहत हमने 4 अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जिसमें रमेश है, इंद्रजीत है, अरविंद चौधरी है और सत्येंद्र सिंह है। 1 अभियुक्त अभी भी फिरार है, जिसके लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं, जिसको जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे। लौह नगरी जमशेदपुर के साप्ती जुबली पार्क जाने वाली सड़क किनारे लगे फुटपाथ के सामने सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न होने से जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। बुधवार को प्रशासन ने सड़क पर लगे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए नसीहत दी। इस मौके पर पदाधिकारी ने कहा, सड़क किनारे लगे दुकान को पीछे कराया गया, साथ ही दुकान के सामने किया गया पार्किंग को हटाया गया। उन्होंने बताया यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी को नसीहत देकर छोड़ा गया। ड्राइव चल रहा है, जैसे जो रोड पर जो इंक्रोचमेंट कर लिया है उन लोगों को हटाया जा रहा है। प्रशासन के तरफ से ऑर्डर मिला था, गाड़ी खड़े उन लोगों के लिए हम फाइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी पहले इन लोगों को पहले चेतावनी देते हैं एक बार, उसके बाद अगली बार से फाइन करवाएंगे। सांसद विद्युत वरण महतो और कोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से 11,95,00,000 की लागत से बनने वाली गंगाडीह से हरिना सड़क का शिलान्यास किया।
बताया जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत बनाई जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। गंगाडीह से हरिणा भाया मचगांव ऊपर डीहा तक यह सड़क बनेगी। सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक संजीव सरदार ने कहा कि सड़क बनने से लोगों को काफी फायदा होगा। पोटका की हर सड़क को हम लोग बनाएंगे ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सोरेन जी की सोच है, जो जहां पूर्व से 10 साल 15 साल से पूर्व से जहां रोड जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत या राज्य संपसित योजना अंतर्गत जहां भी सड़क बना था और उसे सड़क को जर्जर हो गया था और अभी वर्तमान समय में पैदल जाने का लायक था, चार चक्का जाने का लायक नहीं, वैसे जगह को चिन्हित करते हुए और जो सुदूर ग्रामीण वर्ती क्षेत्र से जो शहर को जुड़ता है वैसे सड़क को चिन्हित करते हुए कि वर्तमान सरकार ने उसको मरामतीकरण और सुदृढ़ीकरण करने का काम किया। 142 के आसपास हम लोग ने रिपेयरिंग के लिए रिकमेंड किया, जिसमें लगभग 45 से ज़्यादा रोड का ऑलरेडी काम चल रहा है, इसी का कड़ी में रोड हुआ है और जो बड़े बड़े रोड है प्रधानमंत्री जी क्या है उसमें वहाँ से आ रहा था कि आप लोग इसको रिपेयरिंग के लिए दीजिए, तो ये रोड से हम लोग जा रहे थे पिछले साल, देखा कि बीच में बहुत इसका डैमेज है, ये स्कूटी आके करीब करीब 60 रोड का उन्होंने रिकमेंड करवाया था, इसमें रोड भी शामिल। जमशेदपुर की एक संस्था माय कंट्री इज माय फैमिली के एक प्रतिनिधि मंडल ने आयुष्मान भारत के लिए अस्पताल खोलने की मांग को लेकर उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। संस्था के अध्यक्ष ने बताया, आयुष्मान भारत से देश भर में 55 करोड़ गरीब का जीवन एक वरदान जैसा है। अलग अलग बीमारियों का इलाज अस्पताल में होता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में संपूर्ण इलाज नहीं हो पाता। गरीब लोग पैसे के अभाव में निजी अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं, वहीं ज़्यादातर आयुष्मान धारकों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। इसलिए वे चाहते हैं कि प्रत्येक जिले में आयुष्मान भारत के लिए एक अस्पताल खोला जाए जिसमें मरीजों का सही से इलाज हो सके। जी आज हम लोग आयुष्मान भारत के लाभुकों के लिए देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि देश के सभी जिला स्तर में आयुष्मान भारत हॉस्पिटल खोला जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारे आयुष्मान लाभुक हमारे सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर्याप्त जांच का संसाधन नहीं होता, जिसकी वजह से ज़्यादातर आयुष्मान लाभुकों को प्राइवेट का रुख करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी परिस्थिति ये रहती है कि आए दिन बिल रुक जाता है, बिल भुगतान नहीं होने की वजह से बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। साथ ही साथ हमने इसीलिए हमने मांग किया है कि सभी जिला स्तर के देश के सभी जिला स्तर पर 55 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब देशवासियों के लिए आयुष्मान भारत हॉस्पिटल खोला जाए, जिसमें पर्याप्त जांच की सुविधा हो, दवाइयों को व्यवस्था हो, साथ ही साथ ऑपरेशन की व्यवस्था हो, साथ ही साथ अगर 5 लाख से ज़्यादा की इलाज की ज़रूरत पड़े तो वहाँ के जो प्रबंधक हो उनकी जिम्मेदारी हो कि वो उस बीमार व्यक्ति को उस आयुष्मान लाभुक को किस प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाए और उसका कहां से कहां इलाज कराया जाए और उसका जो भी भुगतान हो वो सरकार करे। पोटका में नामिया स्माइल फाउंडेशन और फोर्टिस अस्पताल कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान से निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन 6 जनवरी को किया जा रहा है। नामिया स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक कुणाल शारंगी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 6 जनवरी को इस शिविर में सुबह 10 बजे पहुंचकर इसका लाभ उठाएं। स्त्री एवं प्रसूति, हड्डी रोग, नेत्र रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, दांत रोग आदि की जांच करा सकेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाली मकर संक्रांति टुसु पर्व की भी अग्रिम शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि कोविड ने फिर से दस्तक दी है और भारत में कई प्रदेशों में कोविड के नए वेरिएंट के संक्रमण के मामले आ रहे हैं और लगातार नामिया स्माइल फाउंडेशन के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्वास्थ्य जांच शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर पोटेस और अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के सहयोग से लगाया जाता रहा है। उसी क्रम में आने वाली 6 तारीख को शनिवार को पोटका के पोटका मध्य विद्यालय में ये निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा, जिसमें स्त्री और प्रसूति, हड्डी रोग, नेत्र रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, दंत रोग, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर समेत अन्य कई रोगों का निःशुल्क जांच और आवश्यक दवाएं भी जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएंगी।
नए साल के उपलक्ष्य में सुनारी तिरंगा क्लब के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अंडर 10, अंडर 15 और ओपन कैटेगरी में क्षेत्र के सैकड़ों युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग टीम प्रतियोगिता में शामिल हुई। हर साल की भांति इस साल भी तिरंगा क्लब के द्वारा नौरंगण में आउटडोर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे यहाँ मेन 3 कैटेगरी है, अंडर 10, अंडर 15 एंड ओपन कैटेगरी, और इसमें हमारा इवेंट्स है सिंगल्स, डबल्स एंड मिक्स, बॉयज एंड गर्ल्स सभी के लिए है। इसमें हमारे यहाँ पे विभिन्न स्थानों से प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं और 3 दिन तक ये हमारा टूर्नामेंट चलेगा। लौह नगरी जमशेदपुर के सोनारी कुचाजी के कलिंगा अखाड़ा में बीते 71 वर्ष से नए साल के पहले मंगलवार को वीर हनुमान श्री बजरंगबली की आरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं और परिवार में सुख शांति के लिए कामना करते हैं। इस मौके पर भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। शहर के सोनारी कुटाडी में कलिंगा अखाड़ा की स्थापना बीते 71 वर्ष पूर्वजों के द्वारा 1952 में की गई थी, लेकिन आज भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर प्रत्येक वर्ष नए साल के पहले मंगलवार को वीर हनुमान पवन पुत्र श्री बजरंगबली की पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच पुरोहित के द्वारा मंत्र उच्चारण कर व बजरंग पाठ कर सभी के परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। उसके बाद सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। कुटाडी के विकी सोना ने बताया कि पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलकर प्रत्येक वर्ष नए साल के पहले मंगलवार को कलिंगा अखाड़ा में वीर हनुमान श्री बजरंगबली की पूजा अर्चना की जाती है। नए साल में सैकड़ों श्रद्धालु बजरंगबली की आरती कर पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही परिवार में शांति व बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करते हैं। इस अवसर पर झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। मौके पर सभी भक्तजनों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। 2024 का आज प्रथम मंगलवार है, जो हर वर्ष की भांति हम लोग प्रथम मंगलवार को महावीर बजरंगबली का पूजा करते हैं, जिससे हर संकट दूर हो जाए हमारे बस्तीवासी देशवासी सबके लिए। इसलिए हर वर्ष ये हमारा आज से नहीं, ये हमारा कितनों पीढ़ी से चलते आ रहा है कि हर वर्ष हमारा नया वर्ष होता है तो पहला मंगलवार को बाबा का आरती महा आरती किया जाता है, पूजा किया जाता है कि इसलिए कि सुख शांति समृद्धि और कुछ भी ऐसा संकट हो तो संकट मोचन उसको हर ले। भोग वितरण होगा, कुछ झांकी का प्रोग्राम रखा गया है वो होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।